अगर मैं आपसे ये कहूँ इस निर्माण के जैसा इस पृथ्वी पर दूजा निर्माण नहीं, तो आप इस बात पर यकीन नहीं करोगे। पर वीडियो पर थोड़ा सा आगे जाते ही आपका यकीन विश्वास पर बदल जाएगा। ये है इस मंदिर की अप्सराएं, पत्थर के आभूषणों से सजी हुई। हर एक मुद्राओं में आपको अलग छवि दिखाई देगी। निर्माणकर्ता धोती कुर्ता पहनने वाले इंजीनियर, ये है मंदिर की अंदर की एक झलक। मैं भगवती केसरी आपका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो पर। चलिए ना चलते हैं इस मंदिर के करीब। प्राचीन निर्माण के चारों ओर आपको बसी हुई बस्ती दिखाई दे रही है। इस मंदिर को यागाची नदी के तट पर बनाया गया है। इस मंदिर को बनने में 103 वर्ष लगे और 3 पीढ़ियों ने इस मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मंदिर की वास्तुकला को समझते हैं, यानी कौन सी चीज और कौन सा मंदिर किस जगह मौजूद है। ये है मंदिर का गोपुरम, जिसे हम प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। ये है केशव मंदिर, जिसे हम मुख्य मंदिर भी कह सकते हैं। ये है अंडाल मंदिर। परिसर के अंदर बनाई गई पानी की टंकी, सौम्य नाई की देवी मां लक्ष्मी का मंदिर, कप्पे चेनी ग्राय मंदिर, वीर नारायण मंदिर या एक छोटा लेकिन पूर्ण मंदिर है, कल्याण मंडप यह विशाल मंदिर चारों ओर से विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। मंदिर का परिसर 443 फीट लंबी है और चौड़ाई में 396 फीट है। मंदिर का संपूर्ण परिसर एक चबूतरे पर बनाया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने जाने पर रास्ता से आपको 6 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। हम इस मंदिर के अगले एपिसोड पर इस मंदिर पर प्रवेश करेंगे। जब आप इस मंदिर पर प्रवेश करोगे तो आप प्राचीन काल में खो जाओगे, क्योंकि इस मंदिर का निर्माण ही ऐसा है। मैं भगवती केसरी आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं फिर से अगले एक और नए एपिसोड पर।